गाजियाबाद से आई हूँ। बाबा साहब का जन्मदिवस मनाने के लिए हम लोग गाजियाबाद से यहाँ आए हैं और मैं दिल्ली MCD में टीचर भी हूँ। दिल्ली MCD में टीचर हैं? हाँ जी। तो बाबा साहब ने ऐसे महिलाओं के लिए ऐसे क्या कार्य किया क्योंकि आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है? देखिए, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए ही नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए अच्छा काम किया है कि जैसे कि हमारे देश का हर तरह से चारों तरफ हर रूप में विकास हो। केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, पूरे देश के लिए क्या है, महिलाओं के लिए। ये देखिए कि जैसे माता सावित्रीबाई फुले जी, हमारे देश में पहले महिलाओं के लिए तो शिक्षा का अधिकार था ही नहीं, शूद्रों के लिए तो था नहीं, महिलाओं का तो प्रवेश भी नहीं था। और जैसे माता सावित्रीबाई फुले जी ने सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय खोले, तो उसमें महिलाओं का प्रवेश हुआ और महिला सशक्तिकरण, जैसे कि महिलाओं का अधिकार दिया। अब जैसे कि महिलाएं जॉब में आई हैं, रिजर्वेशन का कह लीजिए या हमारा प्रतिनिधित्व कह लीजिए, कुछ भी ऐसे किए, उसमें अब देखिए कि एक जैसे प्रसूतावकाश, वो क्या ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन आप लोग जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में कहा जाता है कि शिक्षा की जननी तो सरस्वती है। शिक्षा की जननी सरस्वती है, लेकिन जो लोग सरस्वती की पूजा करते हैं वो शिक्षा की जननी लोग बोलते हैं। क्या सरस्वती जी ने हमारे लिए शिक्षा का द्वार खोला? हम लोग महिलाएं सभी से उसकी पूजा करते हैं, तो क्या उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला जिससे कि महिलाएं बालिकाएं उसमें प्रवेश लें, पढ़े लिखें? केवल ये कहने के लिए है, ढोंग मात्र है ये। महिलाओं से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि भाई महिलाएं अपने छोटे से मतलब बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, उनसे कहें कि जो सरस्वती देवी है वो शिक्षा नहीं दे सकती, शिक्षा तो हमें जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया है वो बाबा साहब के द्वारा ही दिया है, तो उसी का मैं माना जाए कि जो बाबा साहब के माध्यम से और आप कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएंगे उतना ढालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है बाबा साहब ने, तो इसीलिए आप अगर हमें भारत की राजधानी संसद भवन पर ढाल रही है आप में बहुत अच्छा। मैडम क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, नीलम जी आप कहाँ से आई हैं? मैं द्वारका से। द्वारका से, क्या करती हैं आप? मैं भी टीचर हूँ। आप टीचर हैं, किसमें? MCD में। MCD में, हाँ। तो ये आज बाबा साहब का जो जयंती है इसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है बहुत अच्छी बात है, सब यहाँ एकजुट होते हैं आके, तो इससे सबको लोग दिखता है कि हम सबको पता लगता है कि बाबा साहब ने कितना बड़ा काम किया। लेकिन मैडम बाबा साहब ने जो काम किया उसकी सराहना सब करते हैं, लेकिन आज सब बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई तनख्वाह के चक्कर में है, कोई प्रमोशन के चक्कर में है, लेकिन बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी, बाबा साहब ने अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, दवाई न होने के कारण, पैसा न होने के कारण उनको वो कुर्बानी करी। टीबी से एक्सपायर हुई बाबा साहब की, क्षय रोग से जी, टीबी के द्वारा उनकी पत्नी को टीबी हो गया था, क्योंकि उनका मैडम उनके मिशन को जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ा रहे। ये तो बाबा साहब ने अपने समय में ही बोल दिया था, जब बाबा साहब ने अपने समय में ही बोल दिया था।